राम के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि कितनी देर से खड़े हैं? मैं 15 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट और NHAI का नियम है कि अगर 10 मिनट से ज़्यादा टोल पर जाम लग जाए तो खाली कर देना चाहिए, बट इनकी तो वसूली जारी है। हाँ, इनकी तो पूरी जारी है, हम तो चाहते हैं खाली हो जाए, इस तरीके से खाली हो जाए। तो तकलीफ हो रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। चलिए, महंगाई की मार के साथ ये मार अच्छी है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस जाम के बारे में? परेशानी है आम पब्लिक को भाई साहब बहुत। अच्छा, तो क्या लगता है डीजल पेट्रोल की महंगाई के साथ साथ ये टोल भी मार रहा है आपको? टोल तो मार क्या है, लेकिन आदमी को सोचना चाहिए ना। सोचा कि दिक्कत आम पब्लिक को हो रही है, धरना देना है तो एक तरफ है, लेकिन पब्लिक के लिए रास्ता छोड़े। ठीक, आप JP से हैं? हाँ। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 100 मीटर की लंबी लाइन लग जाए तो टोल फ्री हो जाए, तो आप लोग क्यों नहीं खोल रहे हैं इसको? लाइन चल रही है। लाइन चल है कि 100 मीटर की लंबी लाइन लग जाए तो टोल फ्री हो जाए, तो आप लोग क्यों नहीं खोल रहे हैं इसको? लाइन चल। आपने सुना, बड़े साफ़गोई से इन्होंने यह बोल दिया कि यह लाइन चल रही है, इसलिए
इस टोल को बंद करने का, फ्री करने का कोई आदेश मानने की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको सिखाया ही गया है, इनकी समझ में यही है। जो जाम इतनी देर से देखा उसके पीछे ना तो कोई धरना प्रदर्शन था ना और कोई दिक्कत। धरना प्रदर्शन तो सिर्फ एक छोटा सा बहाना है। हर हाल कोर्ट से लेकर पुलिस प्रशासन सब आजकल सिर्फ किसान आंदोलन के पीछे ही पड़े हैं, लेकिन आप इस खबर से तो जान गए होंगे खेल क्या है।